Hey guys, welcome to yet another video on my channel. इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे Amazon और Flipkart की Big Billion और Great Indian Festival सेल्स में फ्रॉड होते हैं। बहुत सारे लोग इस सेल का इंतजार करते हैं कि ये सेल आएगी, उसके लिए प्लान करते हैं, अपना बजट तैयार करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। और कुछ लोग तो लिटरली, मैं जानता हूँ, पूरे पूरे साल भर इस सेल की वेट करते हैं कि ये सेल आएगी, इसमें हमें बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे और उसमें हम कुछ खरीदेंगे। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली का सीजन है, इसमें सबका मन करता है कुछ ना कुछ परचेजिंग करने का, और ये सेल्स दिवाली के आसपास ही होती हैं। बट कैसे यार Amazon और Flipkart पे फ्रॉड हो जाते हैं और हमारे जैसे लोगों का पैसा फंस जाता है। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। 22nd of September 2022 को मैंने दो Echo Dot डिवाइसेस ऑर्डर की थी Amazon से, और डिलीवरी डेट 23rd दिखा रहा था, जो कि आज की डेट है। एंड एज एक्सपेक्टेड मेरा पैकेज आज डिलीवर हो भी गया। डिलीवरी में मुझे एक बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स मिला, उस बॉक्स के अंदर दोनों Echo Dot डिवाइसेस के बॉक्स थे। अब क्योंकि मैं जो भी डिवाइस खरीदता हूँ उसे अपने YouTube चैनल पे अनबॉक्स करता हूँ और उसे अच्छे से दिखाता हूँ, तो मैंने पहला Echo Dot डिवाइस निकाला और उसका बहुत अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग कर दिया। एवरीथिंग वॉज गुड। और इतना काम खत्म करने के बाद आई वॉज कॉलिंग इट अ डे, मैं रात को आराम से सोने वाला था। बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा एक बार मैं दूसरी डिवाइस को भी कम से कम ऑन करके देख लेता हूँ। एंड टू माई सरप्राइज, जैसे ही मैंने दूसरा बॉक्स खोला वो बिल्कुल खाली था। एक सेकेंड के लिए तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने ही एक और डिवाइस निकाल के कहीं रख दी होगी इधर उधर, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली उस सेकेंड बॉक्स में Echo Dot नहीं था और ना ही उसका पावर अडेप्टर। थोड़ी देर के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उसी फ्रॉड का हिस्सा मैं भी बन गया, जो फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो बहुत बार पहले सुना था, आज मेरे साथ हो गया। तो चलो मैं आपको एक्चुअल पैकेज दिखाता हूँ, उसमें क्या होना चाहिए था और क्या था। तो ये है बड़े वाला कार्डबोर्ड बॉक्स जो मुझे Amazon से डिलीवर हुआ है। ये प्रॉपरली सील्ड था, इसके ऊपर Amazon का ये वाला स्टिकर भी लगा था, और इसके ऊपर आई थिंक दो डिवाइसेस मेंशन्ड भी हैं, और सेलर का नाम है ई ट्रेड ऑनलाइन। एंड आई एम नॉट श्योर कि एक और डिवाइसेस शायद इसी सेलर से होती होंगी, आई डोंट नो। तो बेसिकली ये पैकेजिंग वही है जो Amazon से एक्सपेक्टेड है। जनरली काफी सारी चीजों में इस तरह की पैकेजिंग Amazon से मिलती है। बॉक्स को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये छोटा सा पेपर था, और इस तरह से मेरी दोनों Echo डिवाइसेस थी। ये मेरी पहली Echo डिवाइस है, Echo Dot विद क्लॉक। इसे मैंने जब खोला तो मैंने देखा इसमें ये मेरा स्पीकर है, और इसके अंदर इस साइड पावर अडेप्टर है, विच इज ऑल फाइन। मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया है, अभी तक सब कुछ ठीक था। तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के बाद जब मैंने सोचा कि मैं इसको भी चेक कर लूं, और जब मैंने इसे खोला तो मुझे कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला। यहाँ पे स्पीकर नहीं है और यहाँ पे पावर अडेप्टर भी नहीं है। इसके अंदर की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जरूर यहाँ पे छोड़ दी गई है मेरे लिए। जो बंदा आया था डिलीवर करने, उसने मुझसे OTP भी मांगा था, मैंने उसे OTP दे दिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई वेरिफिकेशन नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा यार शायद 2-3 हज़ार की चीज है, इसमें क्या तो कोई लेगा या क्या तो कोई चोरी करेगा। बट टू माई सरप्राइज मुझे एक Echo Dot मिला और दूसरा नहीं मिला। अब मैंने इसके बाद क्या किया, अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हो जाता है तो आपको Amazon के कस्टमर केयर पे कॉल करना है और उनको सब कुछ समझाना है। तो मैंने वही किया है, वहां पे केस रजिस्टर हो गया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए 2-3 दिन मांगे हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्हें लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ तो वो या तो मेरे पैसे रिफंड कर देंगे या फिर मुझे सेम Echo Dot स्पीकर एक नया देंगे। बट इट विल डिपेंड कि उस टाइम ये चीज अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली इसका रिफंड मेरे पास आ जाएगा। बट यार दिस इज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मतलब यार क्या सोच के बंदा ऑर्डर करता है, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है यार कोई भी नई चीज खरीदने, वो सारी एक्साइटमेंट ना मतलब बिल्कुल बस खत्म हो गई है। तो बस इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कुछ भी Amazon या Flipkart से ऑर्डर करते हो, स्पेशली सेल के टाइम में, जैसे ही आपको पैकेज डिलीवर होता है, डिलीवरी बॉय से वो पैकेज खुलवाओ और उसका एक वीडियो बनाओ। अगर वो बंदा गलत है तो वो आपको वीडियो वैसे ही नहीं बनाने देगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सेल के सीजन में जो चाहो खरीदो, बट फ्रॉड से बच के रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।